अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली गाइस। मैं आज आपको तफसील से थोड़ा बताने वाला हूँ गाइस कि यहाँ पर जो फेसबुक ने अपना जो नाम है वो क्यों चेंज कर दिया है। यहाँ पर पहले फेसबुक था, अब उन्होंने मेटा कर दिया है। हालांकि गाइस यहाँ पर ये facebook.com को चेंज नहीं है, बल्कि फेसबुक इनकी दर हकीकत एक पेरेंट कंपनी है, जहाँ पर गाइस वो अपने तमाम के तमाम चाइल्ड्स को मैनेज करके रखती थी, यानी कि इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप वगैरह को सबको मैनेज करती थी। फेसबुक इनकी एक पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर भी फेसबुक आता है, ऐसा नहीं फेसबुक उसके ऊपर आता है, फेसबुक उसके अंदर आता है, तो गाइस उसे मैनेज करके रखा हुआ। तो गाइस अब इन्होंने क्या किया है कि उसका नाम चेंज करके रख दिया है मेटा। अब गाइस मार्क्स भाई साहब ने यहाँ पर कुछ थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि वो करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, मेटा उन्होंने क्यों नाम रखा है, क्योंकि गाइस वो बता रहे थे कि वो काम कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी पर। गाइस अब वर्चुअल रियलिटी क्या होता है गाइस, जहाँ पर वो ये बता रहे थे कि आप यानी कि अपने दोस्तों से कनेक्ट हो पाएंगे विदाउट उनसे मिले, यानी वो तो अभी भी हो रहे हैं फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ज़रिए, बट वहाँ पर ये होगा कि वहाँ पर आप उन्हें वर्चुअली देख सकेंगे, यानी कि आप VR हैंडसेट डालेंगे और आप यानी कि बगैर अपने दोस्त के पास गए आप वहाँ पर वर्चुअली अपने दोस्त तक पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आप उसे देख सकेंगे, आप बिल्डिंग को यानी कि बिल्डिंग वगैरह या जो भी वहाँ पर निज़ाम वगैरह होगा, अभी तक हमें क्लियर कट कॉन्सेप्ट का पता नहीं चल पाया, लेकिन गाइस वहाँ पर मार्क भाई साहब के मुताबिक हम वहाँ पर वर्चुअली इंटर कर सकेंगे एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। वहाँ पर रियल कुछ नहीं होगा, वर्चुअल होगा, बट एक दुनिया होगी वर्चुअली, वहाँ पर जाकर हम अपने दोस्तों सबसे मुलाकात कर सकेंगे। तो गाइस ये बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, और गाइज अब हम देखते हैं कि फेसबुक इसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन और कैसे करने वाला है। तो गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इसी के मुतल्लिक के यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि गाइज हम टेक्नोलॉजी के बंदे हैं तो डेफिनेटली हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है नई नई चीज़ देखने की। और गाइज इसी वजह से गाइज यहाँ पर मार्क भाई साहब ने यह बताया है कि हमने यहाँ पर उसका नाम मेटा कर दिया है, और क्योंकि गाइज फेसबुक जो है अपने इस जो वो नया कारनामा करने जा रहे हैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, इस नाम ना मिल नहीं रहा, तो उन्होंने कहा चलो हम पेरेंट कंपनी का नाम ही चेंज कर देते हैं, मेटा नाम रख देते हैं, ये अब वर्चुअल रियलिटी को तो तलक ज़्यादा बेहतर तरीके से मैच कर पाएगा। तो गाइस ये भी एक रीज़न मार भाई साहब ने बताया, बट मुमकिन है कि दूसरी रीज़न ये हो कि फेसबुक के साथ पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा तगड़े तगड़े पंगे हो चुके हैं, डेटा लीक कर दिया और इनको अदालत के चक्कर भी काटने पड़े और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई फेसबुक के साथ, जिसकी वजह से मुझे अब ऐसा लग रहा है कि फेसबुक शायद अब चलो नए प्रोजेक्ट पर ठीक है काम कर रहा है, बट कैसी शायद इसी नाम ख़राब होते नाम को भी बेहतर बनाना चाह रहा है यार, जो नाम बिगड़ चुका है फेसबुक का अब उसे थोड़ा बेहतर कर दिया जाए। तो गाइस मुझे तो गाइस ये लग रहा है कि फेसबुक का पीछे कुछ बैकएंड में कुछ ये भी है कि बैकएंड में ना ऐसी लॉजिक ये भी है कि वहाँ पर नाम काफ़ी ख़राब हो गया फेसबुक का, तो नाम ही चेंज कर देते हैं। आपको यानी कि समझ आ गया कि फेसबुक ने अब क्यों अपना नाम चेंज कर लिया है पेरेंट कंपनी का, पेरेंट अब वो एक मेटा पेरेंट रहेगा उसका। तो और गाइस के अलावा अगर आपके कोई ओपिनियन है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।